प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव में राजस्थान सहित 10 प्रदेशों में चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने कुल 128 जनसभाएं और रोड शो किए। 14 मार्च से 15 मई तक हुए इन चुनावी दौरों में सचिन पायलट का जोर गुर्जर बाहुल इलाके टोंक अजमेर और दौसा में रहा। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान पायलट बारां और झालावाड़ में चुनाव प्रचार करने नहीं जा सके। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में लोकसभा के चुनाव संपन्न होने के साथ ही अब एग्जिट पोल भी आ गए हैं, लेकिन असली परिणाम तो 23 मई को ही आएंगे, जिस पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस चुनाव में नेताओं ने चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट की बात करें तो उन्होंने काफी चुनावी उड़ाने भरे और 10 राज्यों में चुनाव प्रचार किया। वहीं पायलट ने राजस्थान में एक सीट को छोड़कर सभी सीटों पर कम से कम 2 सभाएं की और रोड शो किए। हालांकि सचिन का जोर टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर और दौसा संसदीय सीट पर रहा, जो गुर्जर बाहुल्य इलाका माना जाता है। इनमें से अजमेर और दौसा से खुद सचिन भी सांसद रह चुके हैं, जबकि टोंक से वे अभी विधायक हैं। पायलट ने प्रदेश में 102 सभाएं की, इनमें से 42 सभाएं और रोड शो इन 3 सीट पर की है। पायलट ने दौसा में सबसे ज्यादा 18, टोंक सवाई माधोपुर में 13 और अजमेर में 11 जनसभाएं और रोड शो की। टोंक सवाई माधोपुर में उन्होंने एक ही दिन में 11 सभाएं की, दौसा में एक ही दिन में 12 और अजमेर में एक ही दिन में 7 जगह सभाएं की। राज्य की 25 में से 24 लोकसभा सीटों पर पायलट गए, लेकिन 12 झालावाड़ में उन्होंने एक भी सभा नहीं की। ये क्षेत्र राज्य की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह का संसदीय क्षेत्र है। माना जा रहा है कि यहां पर कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार उतारकर दुष्यंत को लगभग वॉकओवर दे दिया। वहीं बात करें उदयपुर और बाड़मेर की तो यहां पायलट का हेलीकॉप्टर कम ही घूमा, वहां पर उन्होंने एक एक सभा की। इसी तरह झुंझुनू, चुरू, जालौर, पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर और अलवर में 2-2 जनसभाएं की। वहीं करौली, धौलपुर, बीकानेर, नागौर, भरतपुर, कोटा, राजसमंद, भीलवाड़ा में पायलट 3 बार प्रचार करने गए। मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत का प्रचार करने के लिए पायलट ने 3 बार जोधपुर सीट का दौरा किया। वे नामांकन के समय भी मौजूद रहे थे। साथ ही जयपुर ग्रामीण सीट पर कृष्णा पूनिया के लिए 5 सभाएं की, जबकि जयपुर शहर में ज्योति खंडेलवाल के लिए भी 5 बार जनता के बीच गए। सुभाष महरिया के लिए 4 बार और चित्तौड़गढ़ में गोपाल सिंह के लिए 6 बार गए। बता दें कि गोपाल सिंह की टिकट पायलट की ही बताई जा रही है। सचिन पायलट ने 2 महीने में 128 चुनावी सभाएं की। पायलट ने 14 मार्च को सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से चुनावी सभाओं का आगाज किया और आखिरी सभा 15 मई को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में सभाओं को संबोधित किया। वहीं पायलट ने सहारनपुर, शामली, उत्तरकाशी, हरिद्वार, छवेला, लातूर, मुरादाबाद, टिहरी, गढ़वाल, कोलकाता, मुरैना, भोपाल, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, गुरुग्राम, राजगढ़ सीटों पर प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान पायलट का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहा। राजस्थान में 29 अप्रैल और 6 मई को मतदान हुआ था। 6 मई को जैसे ही राजस्थान में वोटिंग खत्म हो गई, तो उसके बाद डिप्टी सीएम पायलट मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर गए। 8 से 15 मई के बीच में पायलट ने इन राज्यों में 14 चुनावी सभाएं और रोड शो किए। बता दें कि सचिन पायलट कांग्रेस के उन स्टार प्रचारकों में शामिल हो गए हैं जिनकी डिमांड देश में सबसे अधिक रही। अब देखना यह होगा कि जिन सीटों पर पायलट ने प्रचार किया उनमें से कितनी कांग्रेस की झोली में आती है। नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।